व्हाट्स अप गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर। केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर आ चुका है और हम रिएक्ट करने वाले हिंदी में, ताकि हर एक चीज ढंग से हमें समझ आ सके। और प्रशांत नील इसके डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और स्टारिंग कौन यश बजाने वाला है इस मूवी में। कमेंट में तुझे भी आजकल ऐसे ही बोलते हैं, मुझे लग रहा है इसने भी मन्नत मांगी थी ट्रेलर तक, यही रखूंगा। तो कमेंट में यश ओपी हो जाए, केजीएफ चैप्टर 2 ओपी हो जाए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इसके अंदर रवीना टंडन भी है, संजय दत्त भी है। बहुत ही पावर तोड़ होने वाला है भाई साहब, इधर टीजर और तूफान जो गाना सुना था उसके बाद। तो करें शुरू, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे फटाफट से, लाइक 1 2 3 गो। केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है, घुस के मारेंगे। तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. ये रॉकिंग स्टार यश एंट्री क्या बोली है? Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But. Violence likes me. I can't avoid. मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं अपनी केजीएफ लेने। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। अच्छा ठीक है, अभी तू सो जा, कल सुबह जाकर ले आना। वो 3 अप्रैल को रिलीज हो जाएगी। वो कहते ना जो माइंड ब्लास्टिंग, हाँ। जिसे कहते हैं कि मतलब हिला डाला, मतलब अपने आप में ब्रांड है केजीएफ, ब्रांड है यश, रॉकिंग स्टार यश, उन्होंने टाइम एंड अगेन खुद को प्रूव किया है। ट्रेलर देख के वो कहता ना कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ऊपर आया है, और बहुत ही बढ़िया केजी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो केजीएफ 1 आई थी वो झलकियां थी, और केजीएफ 2 के अंदर तो शुरू होगा असली वो। हाँ। इसके मतलब उसमें नो डाउट एक्शंस बहुत गजब थे। अबे इसके अंदर तो जहाज वहाज आ गए, मिलिट्री आ गई, इसके अंदर ये वाली चीजें बहुत ज्यादा है। मतलब गवर्नमेंट भी उसको टेक डाउन करने के लिए आ रही है, और संजय जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसको भी केजीएफ चाहिए। तो 2 फोर्सेस से कैसे लड़ने वाले हैं यहाँ पर केजीएफ, जो मतलब वो था जो गेटअप तक, और फेस कितना डरावना दिखा था एकदम से। एक और चीज देखी तूने, क्या बोलते हैं, जब पहली बात तो जब एंट्री इंट्रोड्यूस करी, हाँ। तो उस टाइम पे जो होता है ना, ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, सब ये नेशनल इशू है। उसके बाद फिर जब रॉकी ने डायलॉग बोला, आई डोंट लाइक वायलेंस, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, तो नहीं आई कांट अवॉइड। ओ भाई साहब, मतलब इस ट्रेलर में अगर बारीकी से आप इसको आराम से देखो तो आपको देखा कि कितनी मिलिट्री आई हुई है, क्या एक्शन पैक्ड सीन्स होने वाले हैं इसके अंदर। वो कहते हैं ना,
खतरनाक ट्रेलर जिसने हिला डाला. एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना खतरनाक होगा. नो डाउट ये पता था कि भाई बहुत ही ताबड़तोड़ आएगा, लेकिन ये तो मतलब केजीएफ 1 के हिसाब से अगर इस ट्रेलर को देखे तो और भी मतलब एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उससे भी हटके आया है. प्लस तबाही मचाना, मतलब ट्रेलर के अंदर इतनी तबाही देखने को मिली तो मूवी के अंदर पता नहीं क्या ही आएगा. सच में ज्यादा टाइम नहीं है, बस वो कहते ना हिला डाला, हिला डाला रजनीकांत सर के स्टाइल में हिला डाला भाई साहब. सच में ये जो मूवीज है ना, इन्होंने एक अलग से पैरामीटर से सेट नहीं कर दिया. जैसे केजीएफ हो गई, और मैंने तो केजीएफ 1 उसी में देखी थी, रिएक्शन में देखी. ऊपर से लोग उसे इतना सुन सुन के ना कि यश यश उनका यार एक बार तो देखना बनता है. जब केजीएफ को देखी रवीना टंडन का जो कैरेक्टर है उसके अंदर बहुत पावरफुल दिखाया है. प्लस जो संजय दत्त का जो डायलॉग था कि तलवार उठाने से लाश से बचने से उसे तबाही नहीं कहते, उसे तरक्की कहते हैं. गिद्धों से पूछ लो गिद्धों, इसमें भी सीटियां बजने वाली है. और इस मूवी के अंदर डायलॉग्स तो नो डाउट बहुत ही भयंकर मिलने वाले हैं. लेकिन इसमें बहुत ही जॉली सा नेचर दिखाया ना इसका, यश का हमेशा से रैम मस्त. जैसे वो नहीं था, वो उसमें दारू वाला सीन नहीं था रोड पे ट्रैफिक वाला, वहाँ पे जो जॉली नेचर दिखाया था वो दिखाया था जो मतलब जो बंदी थी, जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ है. वरना तो देखा था पूरे उसमें बहुत ही सीरियस सा इंटेंस सा वो रहता था ऐसे एकदम. मैं तो कह रहा हूँ भैया हिला डाला इस ट्रेलर ने, सच में हिला डाला. और ये मूवी मजा रिकॉर्ड तोड़ने वाली काफी सारे, और ये बहुत बड़ी ओपनिंग होगी इस मूवी की. और फैंस कह लो, मैं तो एज अ फैन भी बहुत वो फील कर रहा हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ही खतरनाक होगा, क्योंकि बढ़ के आया भाई. जितना भी सोचा था ये वाली बात है. आप लोगों को कैसा लगा भाई जरूर कमेंट करके बताना. KGF चैप्टर 2 OP इन द कमेंट हो जाए, रॉकिंग स्टार यश OP हो जाए. बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ. बाय, टेक केयर.